बारिश के मौसम में देखने को मिलता है कि डेंगू के मच्छर भी काफ़ी पनप जाते हैं, और यही डेंगू के मच्छर लोगों के अंदर डेंगू मलेरिया सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। जबकि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में विभिन्न ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं जिसके माध्यम से आपके घर के आसपास डेंगू का मच्छर पनप ही नहीं पाएगा। ऐसे में हमारे साथ आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से घर के पास प्रिकॉशन रखें। जिससे आयुर्वेद की बात करें तो काफ़ी ऐसे उपाय होते थे जिससे कि हम मच्छरों को भी दूर करते थे और मलेरिया भी नहीं होता था। ऐसे में कौन कौन से ऐसे आयुर्वेद के हैं, क्या आप घरेलू नुस्खे बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मच्छर की जहाँ तक बात है, ये जो बरसात का मौसम विशेष रूप से होता है जिसे हम चतुर्मास चौमासा बोलते हैं, और इसमें भी दो महीने सबसे सावन और भादो, जो वर्तमान में अब भादो चल रहा है, ये जुलाई और अगस्त का माह अगर अंग्रेजी मत से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है दुनिया भर के कीट पतंगे मक्खी मच्छर जितने भी ये हैं ये सब बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, और इसके अलावा जो भी ज़मीन का कीड़ा है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है गर्मी के कारण। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ये इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक तो हमें पूरी बाजू की शर्ट पहननी चाहिए, क्योंकि डेंगू जो होता है, डेंगू के मच्छर का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है हमारे शरीर में कोहनी से नीचे और उधर पैरों में घुटनों से नीचे, उसका असर होता है। और डेंगू का मच्छर ये भी एक अपने आप में बड़ी चतुराई है उसकी कि वो साफ सुथरे पानी में मिलता है, स्वच्छ पानी में मिलता है, जैसे हमारे गमले हैं, जैसे हमारे कूलर हैं, उसमें हमें डेली इस समय पानी बदलना चाहिए। छोटी छोटी सावधानी से हम डेंगू के मच्छर से बचाव कर सकते हैं। देखते हैं कि जैसे कि हम चाहे नीम की बात करें, अपने काफ़ी ऐसे धुआं का भी उपयोग करते हैं, नीम की पत्तियों का, ये बड़ी प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों की खोज है कि और गाँव देहात में आज भी नीम की पत्तियां जलाते हैं, उसके सुगंध दुर्गंध से मच्छर जो भागते हैं, और वो हमें कहीं भी शारीरिक रूप से हमारे श्वास नली के हिसाब से हमारे फेफड़ों में कहीं भी नुकसान नहीं देती बल्कि फायदा देती है। और क्या घरेलू ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि ये मलेरिया हो ना? उपाय हमारे और भी ये है कि हमें रात्रि में सोने से पहले अगर हम थोड़ा सरसों का तेल लगा लें, हम गोले का तेल लगा लें, तो उससे हमारी स्किन जो है वो जब मच्छर का असर होगा तो आसानी से मच्छर जो है उससे प्रभावित नहीं करेगा हमारी स्किन को। और इसके अलावा हम पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मच्छर जरासी निगाह में, आजकल हम एक बहुत बड़ी सावधानी बरत रहे हैं कि हम खाना खाते समय मोबाइल चलाते हैं, और मच्छर या मक्खी वो ये नहीं देखेगा कि आपकी निगाह कहाँ है, उसमें वो बैठता है और उससे हमें ये इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो हमें मच्छरों से बचाव के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कपड़ों को बिस्तर को हमें झाड़ना चाहिए, रोजाना हमें फिनाइल का अपने घरों में पोंछा लगाना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कह सकते हैं अगर आप सभी भी इस तरीके से उपयोग करें तो बारिश में उत्पन्न होने वाले जो मच्छर होता है जिससे डेंगू फैलने की संभावनाएं होती हैं वो विराम लग जाएगा। लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।